समझ नहीं आ रहा है भाई क्या करे, मैंने दिमाग ही काम नहीं कर रहा है भाई क्या करे। बात हुआ क्या, मैं जो है ना ये मेरे पास ATM व्हाट्सअप गाइस, मैं चंदन नाथ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा दोस्तों मेरा भारत दोनों का चैनल है। मैं दोस्तों जो मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आया ना वो दोस्तों पेमेंट उठाए जो मेरा दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिला मेरा घर हुआ तो कटिहार मोड़ ये दोस्तों हो गया कटिहार मोड़ कत्तानपारा, ये दोस्तों SBI का जो ATM देख रहे हैं ना वहाँ पर खड़ा है। और भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई क्या करे, मैंने दिमाग ही काम नहीं कर रहा है भाई क्या करे। बात हुआ क्या, मैं जो है ना ये मेरे पास ATM है तो मुझे उतना ATM चलाना आता नहीं, ये क्या कहता है पंजाब नेशनल बैंक का ATM है, ठीक है। तो हम आए आराम से यहाँ पर जो है ना तीन जने बैठा हुआ था और लोकल ही आदमी था, पता नहीं भाई क्या हुआ। तो अपन जो है ना यहाँ पर गए ATM में, पहले आपको दिखाते हैं ATM में जो है हम डाले और वो लोग जो है ना कुछ कोड डाला हुआ था, उसका एक दोस्त यहाँ पर भी खड़ा था और दो जने बाहर खड़ा था। अपन आए कोड डाले, कोड आया नहीं, उधर से आया एक जन, वो क्या भाई मेरा ही पैसा नहीं निकल रहा, बस अंदर गया ऐसे करके निकाल के वो मेरा ATM ले लिया। और ये कोई मनसा हुसून है, कोई मुस्लिम है, ये जो है ना ये आपको जो ATM हो गया सुपौल का है उसके साथ भी यही स्कैम हो, उसके साथ 50,000 रुपया स्कैम कर लिया, सेम मेरा जैसा ही सेम हुआ। वो हमको ये वाला कार्ड दे दिया और मेरा कार्ड वो ले लिया। लेने के बाद क्या हुआ, हम इसमें डालते ये तो मेरा कार्ड है नहीं, तो डाले फिर वो पिन डाले और जब हम पिन डाले ना इसमें वो पिन भी मेरा देख लिया, तो पिन भी देख लिया और कार्ड भी ले लिया। अब तो कुछ कर नहीं सकते, बस हम निकाले भाई पैसा कहाँ निकल रहा पता नहीं है। फिर गए वहाँ पर जो मेरा ये है क्या कहता है सेंट्रल बैंक का जो ATM है वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने का तो वहाँ पर भी नहीं निकल रहा। फिर यहाँ पर अस्थिर से आके भाई हम देखने में पता चला ये मेरा कार्ड है ही नहीं, ये दोस्तों दूसरे का कार्ड, और मेरे कार्ड में सब नाम लिखा रहता चंदन देवनाथ मेरा नाम था, यहाँ पर दूसरे का नाम लिखा था। हमें चट से पता चला और भाई मोबाइल निकाले, मोबाइल में दिखा चट मोबाइल, मैंने जो 20,000 था मेरा 10,000 रुपया एकदम उड़ा लिया। और मेरा जो पेमेंट उसमें दोस्तों क्या हुआ, मेरा ये EMI कटता है लोन का, बंधन बैंक का लोन है, उसमें दोस्तों 9,000 डालने आए थे और मेरा कल का दोस्तों पूरी का टिकट था। अपन पूरी जाते हैं, मेरा आपको तो पता ही होगा भारत दोनों का चैनल है, पूरी घूमने जाते एक चीज़ को टिकट था। अब भाई जितना पैसा था पूरी की पूरी लूट गया भाई, हमें समझ भी नहीं आ रहा करे तो क्या करे। उसके बाद दोस्तों वापस यहाँ पर आए और उसके बाद दोस्तों पहले गए जो मेरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बाद वहाँ से एक रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कौन वाला रिपोर्ट है। मुझे तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ऐसे कैसे करिए यार, अपन भारत भवन की मेरा चैनल है यार, पूरी दुनिया घूमे है भाई, बगल का बंदा भाई पूर्णिया जिला का उनका ऐसा करके चल गया। ये भाई जो है ना पूरी स्टेटमेंट दिया, ये बंदा भाई लोकल कटिहार मोड़ में ही जो है ना दो ATM है, क्या नाम है एक है क्या वो जो रेलवे स्टेशन के बगल में है दो ATM बैंक ऑफ बड़ौदा और एक कौन है और उधर ही है दोनों बैंक, दोनों से 110,000 उठाया, 109,500 उठाया, बस पैसा घुरा दिया और बैलेंस में भी 207 रुपया बचा है, वो भी लगता बंद कर दिया। फिर दोस्तों अभी ब्लॉक कर दिया ATM। उसके बाद सहायक थाना में गए, सहायक थाना में जो है ना रिपोर्ट भी किए, दिखाते हैं आपको सब, आपको दिखाते हैं। अब पता नहीं भाई पूर्णिया प्रशासन क्या करेगा ये पता नहीं, लेकिन आपको रिपोर्ट पूरी दिखा देते हैं। ये गए उसमें दोस्तों जो FIR होता है ये वाली देख लो, ये वाली FIR है पूरी की पूरी दोस्तों FIR करके आए। अब दोस्तों वहाँ से बोला कि आप जो है ना जो साइबर थाना है महिला थाना में, महिला थाना के बगल में पूर्णिया में जो कहते हैं मैंने पुलिस लाइन है वहाँ पर ही है। तो दोस्तों फिर वापस ही हम जा रहे हैं वहाँ पर महिला थाना में, अब देखते हैं भाई क्या होता है, लेकिन आप लोग सतर्क हो जाए मैंने कैसे कैसे स्कैम होता है भाई। मेरा ये लोन का पैसा था, अभी लोन देने जा रहे थे जो 9,000 था और 11,000 से हम पूरी जाने वाले थे, मेरा वो ट्रिप भी अब कैंसिल ही हो गया। अब तो भाई दिमाग ही काम नहीं कर रहा, करे तो क्या करे भाई क्या करे, मैंने माइंड काम नहीं कर रहा भाई। अब जो है ना चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट वहाँ पर शायद थाना में, ये साइबर थाना है शायद, कोई साइबर थाना में जाते हैं, अब देखते हैं वहाँ पर जाके क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग जरूर मैंने जो है ना ध्यान रखना, ये दोस्तों एरिया आपको बता दिए कत्तानपारा हुआ, ये जो है ना पूर्णिया जिला का कत्तानपारा हुआ और ये अब मेन कटिहार मोड़ देख सकते हैं, सीधा गुलाबबाग चल जाता है और इधर वाली जो है सीधा लाइन बाजार चला जाता है। और इसमें दोस्तों कोई गार्ड भी नहीं है, जो मैंने सहायता करके कोई गार्ड नहीं, एकदम खाली खाली थी, आप देख ही सकते हैं कोई एक भी बंदा गार्ड का नहीं है भाई, गार्ड भी रहना चाहिए ना ATM में। अब भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, 19,000 हुआ तो हुआ क्या, अब जगन्नाथ बाबा मुझे बुलाया ही, रोना आ रहा है भाई हंस रहे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी जाते सहायक था ना, अब देखते हैं मेरी क्या होता है कहता है, ठीक है। तो दोस्तों अब चल रहे डायरेक्ट साइबर थाना जो महिला थाना के बगल में ही है, तो बस आ ही गए, आगे से चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर जाके क्या समाधान होता है। तो दोस्तों फाइनली पूर्णिया साइबर थाना आ गए, अब चलते हैं दोस्तों अंदर और देखते हैं भाई क्या प्रोसेस करता है मेरा, ये हो गया।
तो दोस्तों महिला थाना में आए और वहाँ पर आने के बाद यहाँ पर बात किए, बोलता है जो आपका जो डिजिटली मैंने पैसा नहीं निकाला वो कैश में निकाला, फ्रॉड हुआ, तो यहाँ पर जो है ना दोस्तों काम हुआ नहीं। तो दोस्तों बोला है वो थाना से बात करवाए, जो दोस्तों कत्ता ये क्या कहता है सिटी में है, वो बोला ठीक है अच्छा करना नहीं पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ से वापसी जा रहे हैं, अब भाई क्या होगा पता नहीं, हमें तो भाई लग नहीं रहा पैसा वापस ही आए। ये दोस्तों महिला थाना हुआ जिसमें दोस्तों साइबर थाना अटैच है। तो अब चलते हैं, अब भगवान भरोसे भाई, अब लगता है जो है ना पूरी अपन जा नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा स्कैम हो गया मेरे साथ। और वहाँ पर जो है ना मैम था, बोल रहा है ऐसा केस जो है ना हर दिन आ रहा है, बहुत मन ऐसा केस आ रहा है। चलते हैं अब दोस्तों घर तरफ, देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। तो दोस्तों फाइनली दुकान में आ गए और दोस्तों कुछ तो समाधान निकाल नहीं, मेरे दोस्तों जो है ना दिमाग ही काम नहीं कर रहा भाई, अब क्या होगा। अब दोस्तों जो है ना पूरी वाली टिकट जो था वो दोस्तों कैंसिल कर दिए, कल ही जाने वाला था, 21 तारीख को टाइम था, तो दोस्तों जा नहीं पाएंगे ऐसा केस हो गया। और दोस्तों फिर EMI भी था मेरा, अब क्या करें, दिमाग तो काम कर नहीं रहा है यार, ऐसा कैसे हो गया, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ ऐसा क्या हो गया पूरी, यार क्या बताएं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहाँ से गए यार, बोला भाई हम समझे फॉलोवर होगा मेरा, ऐसे ऐसे बात कर रहा है, कैसे यार ATM बदल दिया, पिन देख के तुरंत पैसा निकाल लिया। फिर दोस्तों लोकेशन पता किए, इसकी जो दोस्तों लोकेशन था ना वो दोस्तों जो ये लाइन बाज़ार में अपना हॉस्पिटल है, क्या कहते हैं सदर हॉस्पिटल, उसके सामने पंजाब नेशनल बैंक, उसी से जाके निकाला, पंजाब नेशनल बैंक से ही निकाला। और भाई जब निकाल रहा था ना मेरे में मैसेज आ रहा था दाएँ दाएँ करके, ये भाई तुम्हारा पेमेंट कट रहा 10,000 9,500 यार, ऐसा इतना बुरा लग रहा था क्या बताएं। मैसेज कहाँ गया, इधर है मैसेज, 9,000 10,000 कहाँ गया, इधर से देखिए मैसेज जब आ रहा था ना इतना कट रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे। अपन सोचे फिर फ्लिपकार्ट में गए भाई कुछ ऑर्डर कर देते, जैसे ऑर्डर में दिए नंबर डाले, बोलता आपके अकाउंट में तो बैलेंस नहीं है, यानी निकाल दिया पूरा पैसा, 20,000 का 20,000 टोटल निकाल दिया। इतना बुरा लग रहा है उस टाइम में। फिर सब जगह गए, आपको तो पता ही होगा, बैंक में गए, सदर थाना में गए, सदर थाना के बाद फिर साइबर थाना में गए, वहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं, उसके बाद यहाँ पर आए। अब हमें लग रहा है कुछ होगा भी नहीं, बोलते ऐसा केस जो है ना रोज़ का रोज़ आता है, वहाँ पर जो गए साइबर थाना, बोलते ऐसा केस आता ही है, वो खाली बस लिख के रखा है, क्या होगा। चलिए ना ऐसे मेरा चल गया, आप लोग ऐसे गलती मत कीजिएगा कभी भी, ATM में घुसे अकेला घुसे, आप अकेला अकेला काम करें, हमको भी पता था कि इसे ATM में किसी को घुसना नहीं दे, खुद से पिन डालना है वगैरह जो भी है। फिर क्या हो गया मेरे साथ यार, अपन को खुद नहीं मालूम चल रहा है। वहाँ पर तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों अब करते हैं वो लोग एंड, आपको तो बताए यार क्या बोलेंगे। ठीक है ब्लॉक करते हैं।